नमस्ते दोस्तों, इंडस्ट्रीज में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से और अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे इंडस्ट्रीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, परचेस रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रहेगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट रहेगा, नैपकिन कुछ एनालिसिस रहेगा, ईटीपी एसटीपी प्लांट्स रहेंगे। तो ये सब अलग अलग डिविजन्स या रीजन्स है या सेक्शंस है जहाँ पे अलग अलग लाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि अगर आप डे लाइट में काम कर रहे हैं, जनरल शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए डे लाइट जो है या सनलाइट है वो सफिशियंट रहेगा। अभी आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में काम कर रहे हैं, नॉर्मली टेबल चेयर पे आपका काम है या कंप्यूटर पे काम है, तो आपको लाइट की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं रहेगी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आपका क्वालिटी का काम है, जैसे अभी आप ये अगर प्लास्टिक मटेरियल बनाते हैं, प्लास्टिक पेंस बनाते हैं या प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं या फिर मेटल के भी पार्ट्स बनाते हैं, तो वहां पे जो मेटल बर रहती है या प्लास्टिक बर रहती है उसको निकालने के लिए, उसको देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पे आपको लाइट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। यानी कि माइक्रो लेवल अगर आपको काम करना है, बारीकियां देखनी है प्रोडक्ट की और क्वालिटी इंस्पेक्शन करना है, तो वहां पे आपको लक्स रिक्वायरमेंट, लाइट रिक्वायरमेंट, इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। तो इसके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी है, जैसे कुछ आईएस स्टैंडर्ड से इल्यूमिनेशन के बारे में, कुछ ओशा स्टैंडर्ड में गाइडलाइंस दिए रखी है, या फिर कुछ महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है जहां पे ये लाइट की रिक्वायरमेंट दी रखी। लेकिन आपके यहाँ पे अभी जो रीजन या सेक्शन या डिपार्टमेंट है, तो वहां पे एक्चुअली लाइट कितना अवेलेबल है? जैसे आपके यहाँ पे ट्यूब लाइट्स या एलईडीज या सीएफएल वहां पे होंगे या फिर सनलाइट भी होगा, लेकिन वो लाइट अवेलेबल कितना है और आपको रिक्वायरमेंट कितनी है वो अगर आपको चेक करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा ये लक्स मीटर, या उसी को लाइट मीटर कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा रहा है लाइट मीटर, यानी कि आप ये जो लाइट चेक कर रहे हैं और इसका जो यूनिट रहता है वो लक्स रहता है, इसीलिए उसको लक्स मीटर भी कहते हैं। तो ये लक्स मीटर क्या होता है? तो लक्स मीटर आपका ऐसा मीटर है जो आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका इल्यूमिनेशन, यानी कि लाइट कितना लाइट अवेलेबल है वो चेक करेगा। तो ये इक्विपमेंट में क्या होता है, एक ये रिसीवर होता है जहां से ये लाइट सेंस करेगा, और ये सेंस करने के बाद यहाँ पे इसको ट्रांसमिट करेगा और यहाँ पे आपके डिजिटल डिस्प्ले पे डायरेक्टली आउटपुट मिलेगा। तो ये मेन डिस्प्ले है जहां पे आपको लक्स में आपको दिखाई देगा कि लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, लाइट अवेलेबल कितना है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मेन दो बटन है, एक पावर का बटन है और दूसरा है स्केल का। तो ये पावर ऑन और ऑफ करने के लिए बटन अवेलेबल है, और यहाँ पे जो स्केल है यानी कि आपके जो लक्स की रेंज है, वो लक्स की रेंज नॉर्मली क्या होती है उस हिसाब से आपको स्केल भी एडजस्ट करना पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी स्केल दी है। ए स्केल क्या बताती है कि अगर आपके यहाँ पे लक्स यानी कि लाइट अगर 0 to 2000 तक अवेलेबल होता है तो आपको ए स्केल यूज होना करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे लक्स ज्यादा है या फिर डायरेक्ट सनलाइट है या फिर लाइट का सोर्सेस ज्यादा है, यानी कि 2000 से 20,000 लक्स तक अगर आपकी लाइट अवेलेबिलिटी है, तो यहाँ पे आपको बी स्केल यूज करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे 20,000 प्लस, ये नॉर्मली सनलाइट के रीजन में रहता है, तो यहाँ पे अगर 20,000 प्लस टू 15,000 लक्स तक अगर आपकी लाइट अवेलेबल है, तो वहां पे आपको सी स्केल यूज करना चाहिए। तो अगर ये अप्रोप्रिएट आप स्केल यूज करेंगे तो उस हिसाब से ये मीटर आपको एक्यूरेट रीडिंग देगा। और अगर आपका मीटर में कुछ प्रॉब्लम है, एरर है, तो ये आप जीरो ऑफसेट से भी उसको जीरो कर सकते हैं। तो ये मेन मीटर है इतना, जहां पे डिस्प्ले है, पावर बटन है और स्केल है, और ये दूसरा पार्ट है रिसीवर, और इसको कनेक्ट किया गया है वायर थ्रू। तो अभी हम ऑन करते हैं। जैसे अभी ये मीटर मैंने ऑन कर लिया,
ऑन करने के बाद तुरंत ये अभी 48 या 49 लक्स में आपको बता रहा है। जैसे कि अभी ये बाय डिफॉल्ट ए रेंज में ही स्केल हमने बता दी, तो ये अभी फिलहाल अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास ये लाइट अवेलेबल है। अगर ये रिसीवर को मैंने कवर अप कर लिया तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जीरो के आसपास आ जाता है, यानी कि ये जो रिसीवर है ये रिसीवर कोई लाइट अभी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे तुरंत ही रीडिंग चेंज हो गई, ये 1 या 2 के आसपास ही आ रही, और उसके बाद में जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो उसके बाद में रीडिंग्स चेंज हो जाती है और ये 50 के आसपास रीडिंग्स बता रहा है। यानी कि यहाँ पे जो अभी मैं वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पे 50 लक्स लाइट अवेलेबल है। अगर यही सेम केस अगर मैंने लाइट जो रिसीवर है ये रिसीवर दूसरी जगह अगर लेके गया तो वहां पर ये जो रीडिंग है ये रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा डार्कनेस में लेके जा रहा हूँ तो ये 20, 15, 13 ऐसे अलग अलग जगह यहाँ पे जा सकता है। अभी 100% डार्कनेस में अगर मैं इसको लेके जाता हूँ वो 0, 1 या 2 के आसपास ही लाइट यहाँ पे मिल रही है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप कुछ लाइट सोर्स कुछ अलग बताते हैं या फिर अलग यूज करते हैं तो उसका रीडिंग भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी नॉर्मली हम टॉर्च वगैरह यूज करते हैं या अलग अलग लाइट्स यूज करते हैं, तो अभी हम लाइट्स यूज करके देखेंगे तो उसका जो इल्यूमिनेशन या लक्स रिक्वायरमेंट है वो कितना आता है चेक करो। तो अभी हम देखो हमने ये यूज किया है टॉर्च और ये अभी मैक्सिमम जो उसका लिमिट था वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि अगर मैं टॉर्च का डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो ये 200-300 लक्स तक दिखाता है, उसके बाद जैसे डिस्टेंस कम करता हूँ तो वो 1,500, 2,000 और उसको जैसे क्लोज कर लेता हूँ उसके बाद में उसका लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाता है। तो ये अलग अलग लक्स के रिक्वायरमेंट आपको अगर देखनी है, अवेलेबिलिटी चेक करनी है, तो इस हिसाब से आप लक्स मीटर के थ्रू आप ये मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ओशा स्टैंडर्ड, आईएस स्टैंडर्ड, एमएफआर रूल या कोई और दूसरे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स रहेंगे उस हिसाब से अगर आपको लक्स मेंटेन करना है, लाइट्स मेंटेन करने हैं या फिर जो भी लाइट रिक्वायरमेंट मिनिमम फुलफिल करनी है तो उसके लिए आपको पहले लक्स मीटर थ्रू लाइट का मेजरमेंट करना जरूरी है। और इसके लिए आप ये फोटोमीटर या लाइट मीटर या लक्स मीटर जिसको कहते हैं ये यूज कर सकते हैं। थैंक यू।